हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस तरह के शॉर्ट सॉक्स बनाना बताऊंगी कि किस तरह से हम इनको बनाएंगे। इनको बनाना बहुत ही इजी है। इनको हम यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे और यहां पर ये हमारी एंडिंग होगी। आज मैं आपको इनको बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से हम इनको बनाएंगे। जो लोग अभी नीटिंग सीख रहे हैं वो भी इनको आसानी से बना सकते हैं। आज मैं आपको इनको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी किस तरह से हम इनको बनाएंगे। इनको बनाने के लिए सॉक्स का धागा यूज़ किया है, जो मैं सॉक्स को बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। हम यहाँ से फंदे डालते हुए बुनेंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 12 फंदे डालेंगे। फंदे हम 3 सिलाइयों के ऊपर डालेंगे। इस तरीके से मैं 3 सिलाइयाँ, ये देखिए दोनों तरफ से ये इस तरीके की सिलाइयाँ हैं। इनको ये देखिए सिंगल धागा हम इस तरीके से लेंगे। ये हमारा इस साइड हमारा खुला वाला धागा है और इस साइड ये देखिए इस तरीके से हम 12 फंदे डालेंगे। 12 फंदे हमने डाल के कंप्लीट कर लिए। अब हम एक सिलाई को इस तरीके से निकाल देंगे और यहाँ पर इसको इस रो को हमने सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। यहाँ पर हम एक नोट इस तरीके से इसको बांध देंगे। इस तरीके से हमने इस रो को सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। एक इस तरीके से हमने पूरी रो ये सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करनी है। इस तरीके से हमने पूरी रो ये सीधी सीधी बुन के कंप्लीट कर ली। अब हमने इस साइड के ये जो हमारी सिलाई है इसको भी हमने सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। ये रो भी हमने इसी तरीके से सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करनी है। ये हमने ये रो भी सीधी सीधी बुन के कंप्लीट कर ली है। अब हमने इस साइड से इस रो को सीधा सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 एक एक सिलाई में हमने 6 6 फंदे रखने हैं। अब हम यहाँ से दूसरी सिलाई इस तरीके से दूसरी सिलाई से बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 and 6। देखिए अब इस साइड से भी हमारे 12 फंदे हैं। इनको एक सिलाई में हमने 6 6 फंदे रखने हैं। 3 4 5 and 6। अभी हमने इस तरीके से ये देखिए 1 2
4, 5 एंड 6। अब हमने इनको ये देखिए इस तरीके से 6-6 फंदे हर सिलाई में डिवाइड कर लिए हैं। अब हमने इस रो में अब हमने फंदे बढ़ाने स्टार्ट करने हैं। 4 फंदे हमारे इस रो में बढ़ेंगे, नेक्स्ट रो में हमने फंदे नहीं बढ़ाने हैं। इस रो में हमने ये जो हमारी पूरी रो आएगी, यहाँ पर हमने एक फंदा यहाँ पर, एक फंदा यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, टोटल हमने 4 फंदे इस रो में बढ़ाने हैं। नेक्स्ट रो में हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने फंदे बढ़ाने हैं। 1, 2 फंदे बुनने के बाद अब हमने इस तरीके से फंदा उठाना है। ये देखिए ये इस तरीके से हमने फंदा उठाना है और इसको इस तरीके से सीधा बुन लेना है। बाकी फंदे हमने इस तरीके से सीधे बुन लेने हैं। 1, 2, 3, 4। अब हमने यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से फंदा उठाना है और इसको इस सिलाई में लेते हुए सीधा बुन लेना है। इस तरीके से हमने इसको सीधा बुन लेना है। बाकी ये फंदे हमने इस तरीके से सीधे बुन लेने हैं। इस वाली सिलाई में हमने देखिए 1, 2 फंदे बुनने के बाद हमने यहाँ पर ये फंदा उठाना है और इसको इस तरीके से सीधा बुन लेना है। अब इस सिलाई में हमने फंदा बढ़ाना है। 1, 2, 3, 4 4 फंदे बुनने के बाद हमने इस तरीके से फंदा उठाना है और इसको इस तरीके से सीधा बुन लेना है। इस तरीके से हमने इसको सीधा बुन लेना है और बाकी फंदों को इस तरीके से बुन लेना है। ये देखिए ये हमारी रो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इस रो में हमने फंदे बढ़ाए 4 सिलाइयों में। अब हमने इस रो में हमने कोई फंदे नहीं बढ़ाने हैं, सभी फंदे हमने सीधे सीधे बुनते हुए पूरी रो हमने ये कंप्लीट करनी है। इससे अगली रो आएगी उसमें हमने फिर से फंदे बढ़ाने हैं। यही प्रोसेस हमने जब तक हमारे 15-15 फंदे एक सिलाई में नहीं हो जाते तब तक हमने इन फंदों को इसी तरीके से एक रो छोड़ के फंदों को बढ़ाना है। ये रो हमने पूरी इसी तरीके से सीधी सीधी बुनते हुए कंप्लीट करनी है। ये हमने पूरी सीधी सीधी रो बुन के कंप्लीट कर ली है। इस रो में हमने कोई फंदे नहीं बढ़ाए थे, अब हमने फिर से फंदे बढ़ाने हैं इस रो में। देखिए एक वो फंदे सीधे बुनने के बाद हमने ये फंदा इस तरीके से उठाना है और इसको इस तरीके से ये फंदा इस तरीके से उठा के इसको इस तरीके से सीधा बुन लेना है। बाकी सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। जिस तरीके से हमने पहले फंदे बढ़ाए उसी तरीके से हमने फंदों को बढ़ाते हुए जाना है। जब तक हमारे 15 फंदे एक सिलाई में नहीं हो जाते तब तक हमने फंदों को बढ़ाना है इसी तरीके से। ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से फंदा उठाना है।
यहाँ पर हमने इस तरीके से फंदा उठाना है। इसको इस तरीके से सीधा बुन लेना है। ये हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इस रो में फंदे नहीं बढ़ाने हैं, ये हमने पूरी रो सीधी सीधी बुनते हुए कंप्लीट करनी है। अब हमने एक रो ये पूरी सीधी बुन के, इसमें हमने फंदे नहीं बढ़ाने हैं, सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट रो में हमने फिर से फंदे बढ़ाने हैं। जब तक हमारे हर सिलाई में 15-15 फंदे ना हो जाए तब तक हमने फंदे बढ़ाने हैं। मैं आपको इसको यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। यहाँ तक बुनने पर हमारे हर सिलाई में 15-15 फंदे आ जाएंगे। ये देखिए, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर ये डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से अब हम ये देखिए, दो फंदे हमारे, एक दो फंदे सीधे, दो फंदे सीधे इस धागे से। अब यहाँ से अब हमने एक दो फंदे इस धागे से, अब छह फंदे हमने इस धागे से बुनने हैं। एक दो तीन चार पांच और छह। अब फिर से दो फंदे हमने इस धागे से, छह फंदे इस धागे से, एक दो तीन चार पांच और छह। दो फंदे फिर से इस धागे से, एक दो, छह फंदे, एक दो तीन चार पाँच छह, एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो, दो तीन चार पाँच छः, एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो। अब हमने ये रो जो फंदे हमने जिस धागे से बुने हैं उसी धागे से हमने ये रो बुन के कंप्लीट करनी है। देखिए, एक दो, दो फंदे हमारे, एक दो दो तीन चार पाँच
छह फंदे इस धागे से, दो फंदे इस धागे से, पूरी रो हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। इस रो में अब हमने स्टार्टिंग के दो फंदे हमारे इस धागे से, दो फंदे हमने इस जो पहले हमने ग्रे रंग के धागे से बुने थे वो अब पर्पल धागे से दो फंदे फिर से इस तरीके से दो दो का, ये देखिए दो ग्रे दो पर्पल, दो ग्रे दो पर्पल, इस तरीके से हमने पूरी रो बुन के कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये हमारी पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है दो ग्रे और दो पर्पल से। अब हमने ये रो भी पूरी जो फंदा हमने जिस धागे से बुना है उसी से ही हमने इसको बुनते हुए पूरा कंप्लीट करना है, दो पर्पल दो दो ग्रे दो पर्पल, दो ग्रे दो पर्पल, इसी तरीके से हमने ये रो भी कंप्लीट करनी है। देखिए
ये रो भी पूरी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमने जो हमने फर्स्ट रो बुनी थी उसी तरीके से अब हमने इस रो को बुनना है। देखिए, दो फंदे पर्पल स्टार्टिंग के, उसके बाद दो फंदे ग्रे, दो फंदे ग्रे, छह फंदे हमने फिर से पर्पल धागे से बुनने हैं, तीन, चार, पाँच, छः, उसके बाद दो फंदे फिर से ग्रे, छः फंदे पर्पल, दो, तीन, चार, पाँच, छः, दो फंदे फिर से ग्रे, छह फंदे पर्पल, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, दो फंदे ग्रे, छह फंदे पर्पल, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, एक, दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, दो फंदे ग्रे, छह फंदे फिर से पर्पल, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये रो भी हमने पूरी सेम जैसे हमने बुनी वैसे ही बुन के कंप्लीट करनी है। पर्पल फंदा पर्पल धागे से, ग्रे धाग ग्रे फंदा ग्रे धागे से, ये रो हमने पूरी इसी तरीके से बुन के कंप्लीट करनी है।
देखिए ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हमने सीधी सीधी दो पर्पल धागे से, ये देखिए ये दो सिलाइयां हमने सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करनी है। कंप्लीट पर्पल धागे से हमने सीधी सीधी दो रो बुन के कंप्लीट करनी है। उसके बाद हमने एक दो तीन डिज़ाइन और डालने हैं, फिर मैं आपको यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमने क्या करना है। ये यहाँ तक हमारा डिज़ाइन हमने कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 फोर डिज़ाइन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने ये वाला पोर्शन बनाना है। अब हमने यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ये स्टार्ट करना है। इसको हम इस तरीके से बुनेंगे। देखिए हम इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ तक हमने ये सभी फंदे सीधे सीधे बुन के कंप्लीट कर लिया। अब हमने इस फंदे को इस तरीके से उतारना है। अब इन दो फंदों को अब हमने, ये देखिए इस सेकंड फंदे को हमने इस सिलाई से इस तरीके से दूसरी सिलाई में लेना है और जो ये फंदा है इसको इस तरीके से गिरा के इसमें इस तरीके से हमने, ये देखिए इनको क्रॉस करना है इस तरीके से। अब इस फंदे को हमने सीधा बुन लेना है इस तरीके से। अब इन फंदों को भी हमने सीधा सीधा बुन लेना है। देखिए इस तरीके से हमने इनको सीधा बुन लेना है। यहाँ तक अब हमने इनको सीधा सीधा बुन लेना है। अब हमने ये देखिए यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट है। अब हमने यहाँ से ये डिज़ाइन दूसरा धागा जोड़ के हमने ये डिज़ाइन डालना है। ठीक है कुछ इस तरीके से अब हमने फिर से जैसा हम बुन रहे थे उसी तरीके से हमने डिज़ाइन डालते हुए जाना है। ये देखिए ये हमारा, ये देखिए यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है। देखिए दो फंदे हमारे डिज़ाइन के, फिर से दो फंदे इस धागे से, छह फंदे इस धागे से, दो तीन चार पाँच छह, छह पर्पल और दो ग्रे रंग के धागे से हमने ये फंदे बुन लेने हैं।
यहाँ पर ये डिज़ाइन डालने के बाद ये हमारा यहाँ पर ये फंदे हमने ये देखिए दोनों क्रॉस किए हुए थे। इस रो में हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन नहीं डालना है, इस तरीके से हमने इसको सीधा सीधा बुन लेना है। देखिए इस तरीके से अब हमने यहाँ पर इस धागे को यहीं से ही अब हमने वापस बुनते हुए कंप्लीट करना है इस रो को। अब हमने इसको गोल तरह से नहीं बुनना है, जहाँ से हमने ये देखिए बीच का ये फंदा क्रॉस किया था, यहाँ से अब हमने वापस इस रो को बुनना है। इस तरीके से स्टिच निकालते हुए हमने यहाँ पर 7 फंदे तरीके से सीधे बुनने हैं, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा सीधी साइड ये उल्टा उल्टा दिखेगा। अब हमने धागा अपनी ओर करके इस रो को इस तरीके से बुनना है। जो फंदा हमने जिस धागे से बुना है उस फंदे को हमने उसी धागे से बुनते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। देखिए कुछ इस तरीके से हमने इन फंदों को बुनते हुए कंप्लीट करना है। अब हमने ये 7 फंदे फिर से धागा पीछे करके इनको इस तरीके से सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करना है। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये देखिए अब हमने फिर से यहाँ से वापस इस तरीके से फर्स्ट फंदा स्टिच निकाल के यहाँ से इसको इस तरीके से बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। जहाँ पर जो ये देखिए जहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होता है वहाँ से हमने डिज़ाइन डालते हुए जाना है। ये देखिए अब हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए इस तरीके से हमने इसको बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करना है।
ये हमारे सात फंदे, सात फंदे हमने सीधी साइड से सीधे ही बुनने हैं हर रूम में। सीधी साइड की रूम में ये हमने बुन के यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब हमने यहीं से ही वापस इन फंदों को बुनना है। फर्स्ट फंदा हमें स्टिच इस तरीके से निकालेंगे और बाकी फंदों को इस तरीके से बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए सात फंदे हमने इस तरीके से बुनने हैं। उसके बाद आगे अपनी ओर अब हमने जो फंदा जिस धागे से बुना है उससे ही जो फंदा हमने जिस धागे से बुना है उसको उसी धागे से बुनते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। ये लास्ट के हमने सात फंदे भी धागा पीछे करके सीधे बुन लेने हैं। अब हमने फिर से यहाँ से वापस जाते हुए डिज़ाइन, ये देखिए इस तरीके से हमने ये डिज़ाइन डालते हुए जाना है और इस तरीके से हमने इसको बुनना है। ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। अब हमने यहाँ पर ये देखिए एक दो तीन चार डिज़ाइन हमने पहले डाले थे। अब हमने यहाँ से अब हमने बुनना स्टार्ट किया है। एक दो तीन चार डिज़ाइन हम और इसको बुन के कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक बुनने के बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमने क्या करना है। ये एक डिज़ाइन हम डाल रहे हैं, उसके बाद हमने एक दो तीन डिज़ाइन और डालने हैं। टोटल हमने यहाँ से चार डिज़ाइन डालने हैं। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये हमारे फोर डिज़ाइन हमारे बुन के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 फोर डिज़ाइन हमारे कंप्लीट और दो सिलाइयाँ हमने ये देखिए उनके कंप्लीट कर ली है। अब हमने यहाँ पर इन फंदों को 26 फंदे, देखिए यहाँ पर 26 फंदे हमने इस सिलाई में और यहाँ पर हमारे 34 फंदे, 26 + 8 फंदे हमने इसमें 34 फंदे रखे हैं। अब मैं आपको यहाँ से बताऊँगी कि हमने क्या करना है। अब हमने यहाँ से फर्स्ट फंदा हमारा एस स्टिच, बाकी फंदे हमने सीधे सीधे बुनने हैं।
25 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब हमने यहाँ पर दो फंदों का इस तरीके से एक बनाना है। ये देखिए, दो चार छः आठ फंदे इस साइड रखे थे, ये हमारा 26वां फंदा है, और ये हमारा जो हमने ये 8 फंदे रखे हैं, इनको हमने हर रो में अब घटाना है। अब हमने इस तरीके से दो फंदों का एक इस तरीके से बुनना है। अब हमने इन फंदों को नहीं बुनना है, यहीं से ही हमने वापस फर्स्ट फंदा स्टिच निकालते हुए इन फंदों को हमने इस तरीके से इस रो को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। ये हमारे 7 फंदे हमने इस तरीके से उल्टी साइड से रो में हमने सीधे ही बुनने हैं। अब हमने नेक्स्ट रो में भी फर्स्ट फंदा है स्टिच, बाकी सभी फंदे हमने 25 फंदे हमने इसी तरीके से सीधे सीधे बुनने हैं। 25 फंदे इसी तरीके से हमने बुनने हैं। अब हमने फिर से एक फंदा ये और एक फंदा इस तरीके से हमने दो फंदों का एक बनाना है। अब हमने फिर से यहाँ से वापस उल्टे उल्टे ये रो बुन के कंप्लीट करनी है रॉन्ग साइड की। अब हमने इन सभी फंदों को हर रो में घटाते हुए यहाँ तक इनको घटाना है, इन सभी को यहाँ तक। इन सभी फंदों को घटाने के बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये हमारा लास्ट फंदा, ये देखिए, इस तरीके से हम इसको दो का एक बना देंगे। अब हमने ये देखिए, ये हमारा घटा के कुछ इस तरीके से आएगा। अब हमने इसको इस तरीके से 26 फंदे, यहाँ पर 26 फंदे हमारे इस सिलाई में आ गए हैं। अब हमने इस तरीके से इनको इन फंदों को बंद करना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से हमने इस तरीके से हमने इनको बुनते हुए सभी फंदों को बंद करना है। हमने दो फंदे यहाँ से और एक फंदा इस रो से इस तरीके से हमने सभी फंदों को बंद करना है। देखिए,
अब यहाँ पर हमने धागा कट करके इस तरीके से धागा कट के इस फंदे के बीच से हमने इस धागे को इस तरीके से निकाल के टाइट कर लेना है। ये देखिए हमारा शॉर्ट बूट बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए बनने के बाद कुछ इस तरीके के दिखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।